नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। औरैया में इस समय राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और एक्टिव बने हुए हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी इटावा के सांसद रामशंकर कटारिया औरैया पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध देवकली मंदिर पर साफ सफाई की। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मीडिया से बातचीत करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। हम सब हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया के हिंदू खुश हैं, और हमें यही कहना है कि जो विपक्ष का काम है विरोध करना, वो अपना काम करें। हम सब राम भक्त हैं तो हम अपना काम करें। जैसा कि देखा जा रहा है कि 22 जनवरी को लेकर के बीजेपी जितनी भव्य तैयारी कर रही है, वहीं विपक्ष के द्वारा लगातार 22 जनवरी का विरोध किया जा रहा है। अयोध्या जाने की बात तो कही जा रही, लेकिन कार्यक्रम के बाद क्या कहना चाहेंगे? विरोधी का काम विरोध कर रही है, हमारा काम हम राम। लखनऊ की सरोजनी नगर तहसील पिछले लंबे समय से भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों की वजह से सुर्खियों में है। जहां शिकायतकर्ता दिनेश कुमार सिंह चौहान अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच से पिछले कई सालों से सरकारी जमीन को सुरक्षित करने को लेकर लगातार अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं, वहीं सरोजनी नगर तहसील क्षेत्र की सैकड़ों बीघा सरकारी जमीन को भूमाफियाओं ने अधिकारियों की मिली भगत से प्लाट बनाकर बेचने का कारोबार किया है। अलीगढ़ से अयोध्या के लिए 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य कार्यक्रम भव्य रूप से होने जा रहा है। वहीं अलीगढ़ से देश का सबसे बड़ा ताला जो सत्य प्रकाश शर्मा और उनकी पत्नी रुक्मणी शर्मा के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर भगवान श्री राम मंदिर को 400 किलो का ताला देने की मांग की थी, अचानक इस दौरान सत्य प्रकाश शर्मा की मृत्यु हो गई, जिसके बाद महंत रविंद्र पुरी जी महाराज अध्यक्ष अखाड़ा परिषद एवं मां मानसा देवी ट्रस्ट और उनकी शिष्य महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती पुरी ने ताले के बचे कार्य को पूर्ण कराया और अब अन्नपूर्णा भारती 400 किलो के ताले को लेकर अयोध्या के लिए रवाना हो रही हैं। स्वयं यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से संबोधित करते हैं, ये यहाँ की बहुत बड़ी पहचान है। तो ऐसे में ये जो ताला जब वहाँ पर रखा जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं और इसको देखेंगे तो हमारे अलीगढ़ के ताला जगत के उद्योग को भी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले, इस उद्देश्य के साथ प्रभु श्री राम के चरणों में इसे समर्पित कर रहे हैं। और दूसरा परिप्रेक्ष्य ये भी है कि जो विरोधी लोग अब तक चिल्लाते थे कि राम मंदिर कब बनेगा, बनेगा भी कि नहीं बनेगा, खाली चुनावी एजेंडा है, उनके मुंह पर भी। बागपत के लुहारी गांव से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां पूरा मामला बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के लुहारी गांव का है, जहां 3 सगी बहन नाबालिग बहनें संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। वहीं परिजनों ने उनकी काफी तलाश की लेकिन कोई पता नहीं चल सका, जिसके बाद पीड़ित पिता ने थाने पर तहरीर देते हुए तीनों बेटियों के बरामदगी की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है, साथ ही गांव के बाहर लगे एक सीसीटीवी में तीनों बहनें जाती दिख रही हैं। वहीं पुलिस लगातार जंगलों और स्थानीय क्षेत्र में तीनों लापता हुई बहनों की तलाश कर रही है। जी मैं परेशान हूँ, मेरी 3 लड़की गुम हो गई। कब से? 17 तारीख को है। आपने किसी अधिकारी को शिकायत की है? हाँ जी, शिकायत की है जी। मैं एफसीओ ऑफिस भी आया हूँ और जी मतलब चौकी में भी और थाने में भी। अच्छा अच्छा, शिकायत की है। अभी एसपी ऑफिस में अधिकारियों से मिले हो? हाँ। क्या आश्वासन दिया? आश्वासन क्या है कि हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, आपकी बच्ची मिल जाएगी। आप भी देखो, टीम के साथ रहना चाहते हो तो टीम के साथ देखो, नहीं तो इधर उधर रिश्तेदारों में या कहीं पता करो, हम भी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, क्या नाम है बच्चों के? बच्चों का एक कामनी है, एक राधिका है, एक सुरभि है। आगरा में नगर निगम द्वारा संचालित स्टालर हाउस का जिलाधिकारी के द्वारा बनाई गई समिति ने निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नगर आयुक्त, पशु चिकित्सा अधिकारी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि पशु चिकित्सा अधिकारी पर करोड़ों के गबन के आरोप लगे हैं, जिसके बाद से अधिकारी सतर्क हो गए हैं। दरअसल पशु चिकित्सा अधिकारी पिछले 1 साल से स्टालर हाउस को बंद बता रहे, जबकि मीट कारोबारी ने कहा है कि स्टालर हाउस में पिछले 1 साल से निरंतर पशु कटान जारी है।
जिलाधिकारी महोदय की जो जिला स्तरीय समिति है वो उसमें जिलाधिकारी सर के आदेश के क्रम में आज नगर निगम आगरा के आधुनिक पशु वस्त्रशाला में जिला स्तरीय समिति के सदस्यों ने भ्रमण किया हुआ और प्लान का इंस्पेक्शन किया हुआ। उद्देश्य यह है कि एक बार यहाँ से अनापत्ति अनुसूची चली जाएगी शासन स्तर पर तो वहाँ पर राज्य स्तरीय समिति के समक्ष ये रखी जाएगी और उसके बाद प्लांट को जो कंसेंट टू ऑपरेट पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के द्वारा मिलेगा। भ्रष्टाचार है इसमें 5.5 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार है, इसके लिए मैंने हर अधिकारी को ज्ञापन दे रखा जिसमें मंडल आयुक्त साहब को मैडम को भी दिया, DM साहब को भी दिया, पुलिस कमिश्नर पितेंद्र सिंह साहब को भी दिया मैंने ज्ञापन। और ज्ञापन देने के अलावा उसमें एक हमने ये भी अर्जी लगाई है साहब, बार बार हमें वार्निंग मिल रही थी कि झूठे मुकदमों में आपको फंसा दिया जाएगा। उस विषय में मैंने पर्सनली CP साहब को एक ज्ञापन दिया था कि हमारी जान माल की रक्षा करिएगा, कभी भी भविष्य में झूठे मुकदमे में हमें फंसा दिया जाएगा। और इनके लोग आए दिन हमें डॉक्टर अजय कुमार पशु चिकित्सा अधिकारी के कुछ लोग हमें वार्निंगें दे रहे हैं कि आप अपनी लिखित वापसी ले लीजिए वरना तुम्हें झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। वो इन्होंने कर दिखाया, कर दिखाने के बावजूद इन्होंने खंदोली में माल कटा, उस व्यक्तियों को हम जानते नहीं हैं जिनको पुलिस ने बरामद किया। कभी भविष्य में कभी संपर्क नहीं है, हमारे फोन की लोकेशन चेक करा लिया जा। हमीरपुर में SP के निर्देश पर बीमार थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने 51 किलो अवैध गांजा के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार से भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद किया है। पुलिस ने अपराधियों के कब्जे से अवैध तमंचा, 25,600 रुपए की नकदी सहित 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। मऊ शहर के ख्वाजहांपुर इलाके में मुख्तार अंसारी के करीबी मिथिलेश राय के मकान पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया है। बताया जा रहा है कि बिना मानचित्र के अवैध तरीके से मकान बनवाया गया था, जिसके बाद जिलाधिकारी के आदेश पर CO City अंजनी कुमार पांडे और सिटी मजिस्ट्रेट राजेश सिंह ने के नेतृत्व में बुलडोजर चलाया गया। बता दें मुख्तार अंसारी के करीबी मिथिलेश राय ने अपनी पत्नी मंजू राय के नाम से मकान बनवाया था। बाईस जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर धर्म नगरी चित्रकूट से भगवान प्रभु श्री राम की चरण पादुका यात्रा अयोध्या के लिए रवाना हुई, जो देर शाम भगवान कुश की नगरी सुल्तानपुर पहुंची, जहां भगवान कुश की नगरी पहुंचते ही राम भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। साथ ही प्रभु श्री राम के चरण पादुका की एक झलक पाने के लिए लोगों का जन सैलाब देखने को मिला। मंदिर जो बन रहा है उसकी एक जैसे लहर सी उठी है, तो सभी एक भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और अयोध्या और सुल्तानपुर का बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि सुल्तानपुर का नाम सुल्तानपुर बाद में हुआ था और ये पहले कुश भवनपुर के नाम से जाना जाता था। और जैसा कि रामचंद्र जी अयोध्या के राजा थे और उनके पुत्र जो थे कुश, उनकी राजधानी सुल्तानपुर यानी कि कुश भवनपुर से जाना जाता है। क्या मन में बात आई जो आप सामने लेके चले? राम मंदिर बनने की एक जो ऐसी लहर उमड़ पड़ी है कि सभी उसी में भाव विभोर हैं, तो इसी को लेकर मन किया कि एक भजन होना चाहिए। सॉन्ग कौन सा था? भजन था जय राम लला जय जनक लली। थोड़ा सा गा के बता सकती है? जय राम लला जय जनक लली, जय राम लला जय जनक लली, जय राम लला जय जनक लली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। ललितपुर में नाले पर पुल बनवाने की मांग को लेकर ग्रामीण किसानों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। उन्होंने बताया कि रेलवे की GRP पुलिस उन लोगों पर रेलवे लाइन पार करने पर अभद्रता और मारपीट करते हैं और थाने में बैठा लेते हैं। किसानों का कहना है कि जब उनका खेत रेलवे लाइन के उस पार है तो फिर वो क्या करें, ऐसे में अगर सरकार नाले पर पुल का निर्माण करा देती है तो उन्हें खेत जाने में आसानी हो जाएगी।
किस गांव से आए हैं? ग्राम ककरगुआ से आए हैं। क्या समस्या लेके आए? हम ये समस्या लेके आए कि हमारी पुल का निर्माण किया जाए, जो पहले बुजुर्ग लोग आज 60-70 साल से रेलवे से निकलते गए, अब तीसरी लेन हो गई वहाँ पर निकलते हैं, तो 2-4 दिन पहले हमारे 10-12 लोगों को उन्हें पकड़ा, मारपीट की, मुर्गा बनाया। तो जो हमारा पुल है, पुल के पास नाला का एक कैनाल का पुल है, उस पुल के लाजे डीएम साहब के लिए इसलिए आए कि हमारा उसका निर्माण किया जाए, जिसमें हम वहाँ नहीं जाए, और हमारे तो आने जाने में कई घटना भी हो गई हैं। हम ये समस्या लेके आए हैं कि हमारी जो जमीन लान के उस साइड पड़ी है और वहाँ पर हमारे लोग नहीं निकल पा रहे हैं और उनको जीआरबी पुलिस परेशान कर रही, मारपीट कर रही। अभी कम से कम आज 5 दिन हो गए, 10 लोग उनको बैठा रहे थे, फिर इन लोगों ने फोन किया, मैंने फोन किया, जब उन्होंने छोड़ा, इतना मारपीट किया कि कार्टून निकल नहीं दे रहे। क्यों मारते हैं वो हमारी जमीन? हम लोग जाते हैं जैसे लान के उस साइड जाते हैं ऊपर लेन पहुँच, तो अब रास्ता ही नहीं है, तो अब पानी भरे सो निकल नहीं पा रहे उस साइड, जाते ये लोग सब मारते हैं जीआरबी पुलिस। मथुरा जनपद के विकास खंड मांड पर भाजपा की चल रही भारत विकसित यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों की को आवास की चाबी दी और उज्ज्वला गैस कनेक्शन बांटे, साथ ही आयुष्मान कार्ड सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को दिए। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हर गरीब, हर धर्म, हर वर्ग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 सालों में 100 से अधिक योजनाओं का लाभ मिला है। विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच रही है, जनता स्वागत कर रही है, और जो लोग वंचित रह गए हैं अभी भी योजनाओं से, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे कोई और योजना हो, पीएम आवास योजना हो, मुद्रा योजना हो, उसका वो लाभ लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन भी इस कैंप में करवाते हैं। दूसरा, भारत को विकसित भारत बनाना है, इसके लिए वो संकल्प भी लेते हैं, क्योंकि इसकी योजना का नाम है भारत को विकसित भारत बनाना है 2047 तक विकसित भारत और संकल्प यात्रा। खबर श्रावस्ती से है, जहां 18 साल के युवक की नहर में डूबने से मौत हो गई। बता दें, संतोष मिश्रा की मौत सोच के दौरान पैर फिसलने से हुई है। वहीं 18 घंटे बीत जाने के बाद भी लाश न मिलने से स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी, साथ ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्राइम उत्तर प्रदेश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।